स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास ही स्थित है विश्व वन, जो अपने नाम से ही अपना पूरा परिचय दे देता है। विश्व वन दुनिया के 7 महाद्वीपों की परंपराओं पर रहन सहन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ सभी 7 महाद्वीपों में मूल जड़ी बूटियों और फूस की झोपड़ियों और वनस्पतियों का सजीव विवरण दिया गया है। एकड़ में फैला विश्व वन अलग अलग सेक्शन में बटा है, जिसमें प्रत्येक सेक्शन एक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें फिजी हाउस, बाली हाउस, मालोका हाउस और पेगोडा हैं। विश्व वन को ओलंपिक की रिंग्स के आधार पर तैयार किया गया है, जो प्रत्येक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पूर्वी एशियाई देशों में पाई जाने वाली एक प्रमुख संरचना मौजूद है, जिसका नाम है पेगोडा, जिसमें कई छज्जे होते हैं। इसी तरह आप यहाँ मालोका हाउस और बाली हाउस की संरचना भी देख सकते हैं। मालोका हाउस ब्राजील की स्थानीय जनजाति मारुबो के पारंपरिक घरों से प्रेरित है। वहीं दूसरी तरफ बने बाली हाउस में आपको प्राचीन हिंदू और बौद्ध मान्यताओं की झलक देखने को मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको अफ्रीकन लुजियाना कॉन्फ्रेंस एरिया दिखेगा। यह संरचना यहाँ के स्थानीय लोगों के रहन सहन को दर्शाती है। और मेरा नाम हर्षदा है और हम मुंबई से बिलोंग करते हैं। सो हम गुजरात में आए यहाँ पे, मतलब इट इज़ वेरी गॉर्जियस प्लेस। एंड आज हमारा जो प्लान था वो विश्व वन था। यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे, मतलब गार्डन्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और एक बार विजिट किया तो फिर से आपको ऐसा लगेगा कि यस, हम लोग बार बार फिर से यहाँ पे आए। एंड टाइम बहुत नेसेसरी है, मतलब एक गार्डन इतना अच्छा है कि उस, मतलब उसको विजिट करने के लिए हमको टाइम कम पड़ेगा, पर यहाँ की जो ब्यूटी है वो हम लोग डिस्क्राइब एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में नहीं कर सकते। सो आप यहाँ पे विजिट करना चाहिए, इसलिए बहुत अच्छा। विश्व वन की रचना जैव विविधता में एकता को ध्यान में रखकर की गई है। यह आकर्षण 7 महाद्वीपों, विभिन्न वनस्पतियों और औषधीय पौधों को साथ लेकर तैयार किया गया है। विश्व वन एकता का संदेश देता है और साथ ही प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की प्रेरणा भी देता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक खूबसूरत आकर्षण आपका इंतजार कर रहा है।